स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न द चैप्टर वन नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम स्टूडेंट? नंबर सिस्टम इज द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स एज यू नो देयर आर बेसिक 10 नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, बट टू रिप्रेजेंट दीज 10 डिजिट्स देयर आर डिफरेंट नंबर सिस्टम। स्टूडेंट कंप्यूटर को ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ऑल अदर नंबर सिस्टम बाई कन्वर्टिंग दम इन टू बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इन पोजिशनल नंबर सिस्टम ईच डिजिट्स हैज अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन इन दैट नंबर, एंड इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम द डिजिट्स हैज द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन, वेदर वेयर एवर इट्स पोजिशन इट डजेंट मैटर, इट हैज द सेम वैल्यू। द एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम विच ह्यूमन्स यूज इन डेली लाइफ, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोजिशनल सिस्टम इज रोमन नंबर्स, लाइक इन रोमन नंबर 1 and V corresponds to 5 and 1 corresponds to 1 number, I corresponds to 1 number regardless of its position. Students, computer only understand binary number system that is made up of 0 and 1. Student, binary means 2. So, it has only 2 digits. Binary number system has only 2 digits, that is 0 and 1. And humans in their daily life use decimal number system. We use decimal number system. That means 10. Student, the common number system used in computer are decimal, binary, octal, hexadecimal. Student, in decimal number system, the base is 10. It means it has 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Student, binary. Second is binary number system. Students, binary means 2. So its base is 2. It has 2 digits, 0 and 1. Students, octa means, next number system is octal. And octa means 8. So its base is 8. It has 8 digits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Student, hexa. Next is hexadecimal. Hexa means 16. Student, its base is 16. It has 16 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then alphabets A, B, C, D, E, F. Student, as I told you that computer only understand binary number system. So data traveled in computer, data information traveled in computer in the form of binary number system, binary digits 0 and 1. Students, the 0 and 1 are called bits. So bits are of two types, 0 and 1. Students, as you know that computer is an electronic device, electronic machine. Students, computer has many electronic switches. So, 0 represent off state and 1 represent on state. And we can say that 1 means positive signal and 0 means 0. 1 means positive voltage and 0 represent 0 voltage. Here are some examples, students. You can see that in the first example there are 2 off states, so result is 0 0, and in second 1 is
ऑफ स्टेट, वन इज ऑन स्टेट, सो रिजल्ट इज 01. हियर वन इज ऑन स्टेट, वन इज ऑफ स्टेट, सो 10. हियर टू ऑन स्टेट, सो रिजल्ट इज 11. ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, एंड बिट्स रिप्रेजेंट 0 and 1. एंड स्टूडेंट, कंप्यूटर स्टोर्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लाइक 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन बाइट, एंड 1 byte इज इक्वल टू 8 bit. हियर इज वन एग्जाम्पल वेयर देयर आर 8 ऑन स्टेट, सो द रिजल्ट इज 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 bits. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 bits इज 1 byte एंड इट इज 1 character, वेदर इट इज ए बी सी डी और 1, 2 एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर. हियर इज सम एग्जाम्पल. हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी वी आर टेकिंग 0 to 15 डिजिट्स एंड दिस टेबल शोज 0 to 15 डिजिट इन डिफरेंट नंबर सिस्टम इन डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. यू कैन सी दैट 1 रिप्रेजेंट इन डेसिमल, 1 इन बाइनरी, 1 ऑक्टल, 1 हेक्साडेसिमल, 2 इन डेसिमल, इन बाइनरी 10, ऑक्टल 2, हेक्साडेसिमल 2, एंड यू कैन सी अप टू 7 हियर. हियर यू कैन सी अप टू 15, 8 इन डेसिमल, इन बाइनरी 1000, इन ऑक्टल 8 रिप्रेजेंट 10, इन हेक्साडेसिमल 8 रिप्रेजेंट 8, इन हेक्साडेसिमल 10 रिप्रेजेंट A, 11 रिप्रेजेंट B, 12 रिप्रेजेंट C, 13 रिप्रेजेंट D, 14 रिप्रेजेंट E, 15 रिप्रेजेंट F. सो हियर योर फर्स्ट लेक्चर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.